आराम से देखो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी मैगी उबल चुकी है, तो मोहसिन भाई से चला के जरा दिखाओ। देख सकते हो आप, ये और मेरे पास छिप होता या जाल होता ना, इसको पकड़ के तो खा लेते आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई सुबह कैंपिंग की। तो आज हैं हम फिर हिमांशु भाई के साथ एक नई सुबह जंगल में, एक न्यू जंगल में। इस जंगल का नाम है भूलभुलैया। जिस जंगल में आओगे तो पता भी नहीं चलेगा किधर से आ रहे हैं किधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा है, बड़ा भी है बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है। तो आज देखेंगे क्या क्या एडवेंचर होता है हमारे साथ, और हिमांशु भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं आज। तो पहले लोकेशन अच्छी सी ढूंढ लेते हैं। आप एक बार जंगल देख लो, कितना तो मस्त लग रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है, एकदम हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। तो बने रहिए, एडवेंचर करेंगे अच्छे अच्छे से। चलो चलते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं। आराम से देखो। आई तो बैठ जाओ। खतरनाक एडवेंचर हो रहा भाई, है ना। यार लोकेशन तो बढ़िया लग रही है हिमांशु भाई। हाँ है ना, मेरे ख्याल से यहीं पे हम सेटअप कर लेते हैं। लोकेशन पे तो थोड़ा पहाड़ों का व्यू भी आएगा और यहाँ पे अपना टेंट भी सेटअप हो जाएगा। चलो यहीं सेटअप कर लेते हैं अपना टेंट। सही लग रहा है। देखो दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद तो हमें लोकेशन मिली, और अच्छी लोकेशन मिली है जहां हम दोनों टेंट पिच कर सकते हैं अच्छे से। लोकेशन बहुत बेहतरीन है, तो आपको लोकेशन भी हम दिखाएंगे, और हमें लकड़ी वगैरह भी ढूंढनी है तो लकड़ी वगैरह भी ढूंढ लेंगे। तो पहले ये थोड़ा सा ये साफ़ सफाई करनी होगी। एक बार आप लोकेशन देख लो, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है लोकेशन, देख सकते हो। बड़ा ही खतरनाक, क्या एडवेंचर होगा आज, बड़ा ही खतरनाक वाला एडवेंचर होगा भाई। तो आप बने रहिए, ठीक है। आज चूल्हे पे बनेगा सब कुछ, तो देखिए और चूल्हे का मज़ा लीजिए, ठीक है। मस्त लगी मुझे लोकेशन, आप कमेंट करके बताना लोकेशन कैसी लगी आपको, ठीक है। तो फटाफट अपना टेंट पिच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं हम चूल्हे पे बना पाए ना ही पाए, क्योंकि आग जलना तो मुश्किल लग रहा है। ट्राई करेंगे, ठीक है, देखते हैं, अगर बन जाए तो एडवेंचर ही हो जाए। चलो ठीक है, अब देखते हैं, बने रहिए, टेंट पिच करते हैं। चलो भाई टेंट पिच करते हैं फटाफट, है ना। पहले इसको हटा देते ना, हमारा पानी इधर रख लेते, पानी Thank you.
गाइस आज हम डुओ कैंपिंग कर रहे हैं, इसलिए एक ही टेंट हमारे लिए काफ़ी है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेंट है हमारा ट्रिपल है तो तीन जने इजीली आ सकते हैं, तो हम दो जने हैं, तो इसलिए हम आज एक ही टेंट लगाते हैं, ठीक है। और जाते हैं, अब टेंट तो पीछे हो गई है, अब जाएंगे हम लकड़ी ढूंढने के लिए, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में, अब तक मज़ा आएगा आपको, ठीक है। देखो दोस्त, बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी लकड़ी मिली है, देखते हैं अगर इससे काम चल जाता तो चला लेंगे, नहीं तो और जाना पड़ेगा हमें फिर एक बार, ठीक है। चलो दोस्तों, चूल्हा भी बन चुका है हमारा, लकड़ी भी आ चुकी है, हवा बहुत तेज चल रही है, कोशिश करते हैं कि आग लग जाए, तो आपको दिखाते हैं आग लग रही है नहीं लग रही है, अब देखते हैं। तब तो एक जगह में होती है, वो लेना ही पड़ता है नाइट कैंपिंग। फाइनली जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है भाई, बुझना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, हम सक्सेस हो चुके हैं, चूल्हा जल चुका है। चलो लकड़ियों में आग पकड़ लेंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्तों में आग है। और मैगी बनाते हैं, जब तक मैगी उबल जाएगी हमारी, और जब तक हम प्याज काट लेते हैं, हिमांशु भाई का हाथ भी जल गया है, तो प्याज मैं काट लेता हूँ, हिमांशु भाई मैगी जब तक उबाल लेंगे, ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, जब तक प्याज काट लेते हैं। चलो दोस्तों, हिमांशु भाई उधर मैगी उबाल रहा है, जब तक मैं प्याज काट लेता हूँ, ठीक है, प्याज मिर्चाई जो भी धनिया टमाटर है सब काट लूँगा जल्दी जल्दी। प्याज इसको हम रख लेंगे, इसको धो लेते हैं दोस्तों पहले, ठीक है। दोस्तों एडवेंचर का मज़ा, ये मेरा हाथ फट चुका है और हिमांशु भाई का हाथ भी जल चुका है, और हमने एक चूल्हा बनाया लेकिन दो भी चूल्हा बनाना पड़ा हमें, एक में मैगी बना लेंगे और एक में चावल बना लेंगे। ये हिमांशु दोस्त ने बना लिया है अपना उबालने के लिए, मैगी चढ़ा दिया है और एक चूल्हा और बन चुका है हमारा, देख सकते हो आप, दिख नहीं रहा होगा आपको, देख सकते हो दोस्तों, मेरा धनिया भी कट चुका है, मिर्चा भी कट चुका है, प्याज भी, टमाटर भी, तो अब इसको हम फ्राई करेंगे मैगी बनाने के लिए, तो चलते हैं मैगी स्टार्टअप करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी मैगी उबल चुकी है, तो मोहसिन भाई से चला के जरा दिखाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ, अभी मैगी उबालते उबालते मेरा गिर गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, देख सकते हो कैसे बनाना पड़ रहा है, हमारा पतीला ठीक, तेल बहुत ज़्यादा गर्म गया, एक मिनट नहीं लग रहा तेल गर्म होने में हिमांशु भाई, थोड़ा ठीक है, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। अब हम इसके सबसे पहले डाल रहे हैं प्याज, प्याज डाल लेते हैं, प्याज को थोड़ा फ्राई होने देंगे, देन उसके बाद हम इसमें टमाटर वगैरह डालेंगे, जल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देते हैं इसमें, सीधा करूँगा। दोस्तों देख सकते हो हमारा प्याज पूरा अच्छे से बन चुका है, तो हम इसे टमाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, थोड़ी देर के बाद हम इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे। चलो दोस्तों, इसमें से थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं हम, इसमें से हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं,
हमारा प्याज जल रहा है, ठीक है। और इसमें से हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा तीखा पसंद है आपको पता ही है, ठीक है। और क्या डालना है इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, और नमक डाल ही देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा चूल्हा भी बंद हो रहा है। नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, माशा भाई चला लो थोड़ा सा, हो जाएगा ना। हाँ आप डाल देते हैं, नहीं पहले मैगी डाल देते ना, पूरे मैगी लेते। ऐसा है कुछ हमारी मैगी अभी देखने में, और हमारा सेटअप देख सकते हो, वहाँ पे हमारा सेटअप है देख सकते हो आप। देख सकते हो हिमांशु भाई अभी प्लेट में निकाल रहे खाने के लिए, तो आपको भी टेस्ट करके भी बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप वीडियो में, देखो क्या ही लग रही है मैगी। देख सकते हो दोस्त क्या ही प्यारी मैगी लग रही है ना। मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ क्या टेस्ट है, ठीक है। पहाड़ों में बैठ के मैगी खाने का मज़ा ही अलग है यार। Awesome. मज़ा आ गया यार। चलो अभी आपको खाना भी खा के दिखाते हैं, अंडा भी खाएंगे आज, दिखाते हैं। गाइस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल। अगर ना मेरे पास जाल या छिप होता ना तो दिखा देता, कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ। भाग रही है जल्दी, देखो देख सकते हो आप। यार मेरे पास छिप होता या जाल होता ना, इसको पकड़ के तो खा लेते आज। लकड़ी लेके आया था जैसे, कितना सुंदर है देख सकते हो आप, जा रहा है देख रहे हो। हिमांशु भाई मत भगाओ ना। देखो दोस्तों मैं, हमारा अंडा बन चुका है, अब उबल चुका है, तो अब इसको निकाल लेते हैं ठीक से, और प्याज वगैरह काट लेते हैं इसको बनाने के लिए। चलो दोस्तों चावल धो लेते हैं, क्योंकि हिमांशु भाई चावल बनाते हैं तो वो गीला कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो बोला मोहसिन भाई आप ही बना लो चावल और वो अंडा कड़ी बना लेंगे। तो चावल धोते हैं पहले, ठीक है, आ जाओ। पानी डाल के इसमें चढ़ा देता हूँ, लेती है ना। और अरे यार ऐसा लग रहा है उंगली में जा रहा है, गिर ना जाए मैगी की तरह। तो जल्दी जल्दी इसका पानी निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों हिमांशु भाई क्या ही करो यार, मैंने चावल ही बना दिया, चावल धो के भी डाल दिया, चावल रख भी दिया, बोले मैं बर्तन धो के दो तब जाके बनाऊंगा, ऐसा होता है यार, ऐसे नहीं होता यार। बर्तन धोना पड़ता है यार, चलो क्योंकि घर पे धोना नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों हमारा अंडा कड़ी बन चुका है, जो हिमांशु दोस्त ने बनाया है, कितना ही मस्त लग रहा है देख सकते हो आप। और चावल भी अच्छा बनाया है हमारा, ठीक है, और हमने सैलेड भी काट चुका है। तो आपको खा के बताते हैं कि क्या टेस्ट है क्या है, तो आप वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको खा के।
चावल ठीक बना ना, चावल सही बना ना। भाई कितना खाओगे? बस यार ज्यादा मत डालो यार, अभी तो दो ही बंदे हैं और चावल कितना बनवा दिया। ज्यादा मत डालो भाई, देख रहे हो तुमने पूरा भाई खाना पड़ेगा जब तुमने इतना बनवाया। भाई वीडियो देखने वाले बोलेंगे भाई मुजिन भाई कितना खाता है यार। भाई क्या करे, तुमने बनवाया इतना दिया, टेस्ट लग रहा है देखने में, खा लेते हैं भाई, दोनों हो जाएंगे। सैलेड बहुत टेस्टी लग रहा है भाई देखने में। देखा जाएगा बाद में, ले लेंगे ना, भूख लगी तो। चावल को साइड कर लेते हैं। हाँ साइड कर लेते हैं, अब डाल लेते हैं अपने ऐड। तो भाई इसी का तो वेट कर रहे हैं भाई, कब से आज खाएंगे मांश भाई के साथ अंडा करी। बस करो ज़्यादा मत डालो यार, एक बार ना पानी भी तुमने बहुत। हाँ ग्रेवी डलवा, ग्रेवी डाल दो, ग्रेवी पसंद है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बस 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 ज़्यादा नहीं। तो गाइस आप हमारे पतीला को नोटिस मत करना, वो आप समझ ही गए होगे पतीला क्यों जलाया हमारा, है ना। इसको इग्नोर करना, चलो इसको साइड करते हैं, अपना सैलेड ले लेते हैं ना। हाँ भाई सैलेड डाल लेते हैं, सैलेड ज़रूरी होता है। थोड़ा सा नींबू मार लेते हैं, निचोड़ लेते हैं इसमें। हाँ यार नींबू निचोड़ इसको। हाँ समझ रहे हो, मज़ा ही आने वाला है। हाँ मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो हरी मिर्ची लोगे भाई, तुम तीखा खाते हो? हाँ हम तीखा खाते हैं भाई, बेगी में इतनी तीखी होगी इतना तो हिमांशु भाई का मत पूछो, बोले सब्जी मत बनाना ऐसे बोल दिया, तो कोई बात नहीं, हमें तीखा पसंद है समझ रहे हो ना। चलो आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनाए। चलो दोस्तों थोड़ा सा अंडा लेते हैं और पहले इसी का टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, ठीक है। जबरदस्त बना भाई, मज़ा ही आ गया। बना तो सही है, बस बहुत मस्त लगा, लेकिन फिर भी तीखा है थोड़ा। तीखा पसंद है इसलिए मुझे तीखा है, इसलिए मेरा ज़्यादा टेस्टी है कसम से, मज़ा आ गया खाने में। तो दोस्तों आगे मिलते हैं ना वीडियो में, आज की वीडियो हम यहीं तक अंत करते हैं क्योंकि हिमांशु भाई को कोई काम है तो अर्जेंट जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आज तो रुकने का हमारा इरादा था कि रुकेंगे, बट हिमांशु भाई को कुछ काम आ गया तो उसको जाना पड़ेगा, तो हम यहीं अब पैकअप करते हैं। खाना पीना हो चुका है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये एडवेंचर, क्योंकि मेरे लिए नया था और मैंने ऐसा एडवेंचर कभी किया नहीं है, तो हमको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया आग में खाना बनाना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो लोकेशन थी बहुत मस्त थी, आपको भी देख के मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आप नए हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते इससे अच्छी लोकेशन के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।